सो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो मैं चैनल समझो, बिटसैट के डेट्स अब आ चुके हैं। आपका जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में उसको फिक्स कर दिया गया है 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में। हमें जानता हूं आपका 23 अगस्त को जे एडवांस आप कैसे करेंगे फोकस जे एडवांस और बिटसाइड के बीच में, कोई बात नहीं, आज सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो बिटसाइड और जे मेंस में डिफरेंस क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इनके लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी, अरियन की जो बुक आती है वो और एमडीजे बिटसाइड एक्सप्लोरर, ओके। अगर आप इन दोनों बुक से पढ़ पा रहे हो, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, ओके। आप कुछ टॉपिक यहां से कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ टॉपिक यहां से कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है। दीज टू आर पॉसिबल द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन हैव फॉर बिटसाइड, ओके। बिटसाइड जे एडवांस कैसे फोकस करें दोनों के बीच में, डिपेंड्स ओनली ऑन योर जे मेंस स्कोर। अगर आपके जे मेंस स्कोर बहुत अच्छी आई है, आई टेल यू बिटसाइड पे फोकस करो, जे एडवांस पे फोकस करो। बट अगर आपके जे मेंस में स्कोर उतनी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके परसेंटाइल दूसरे वाले में भी आती है आपकी कुछ 70% 80% के आसपास, देन ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर बिटसाइड, क्योंकि आप तो वहां पर क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ यार जिनके परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 93-94 के आसपास भी है ना, या फिर 95 के आसपास भी है, फोकस ओनली ऑन बिटसाइड give you more returns। But आपका जो date confirm हो चुका है 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त, 5 दिन का gap है, ample amount of time है आपके पास logical reasoning और English proficiency practice करने के लिए। आप इन दोनों books अच्छे से practice कर सकते हो and it will give you great returns in you know future। आप अगर अच्छे से इन चीजों को exploit करना सीख जाओगे, आपके बिटसेट में score बहुत अच्छे आ सकते हैं। देखो JEE and बिटसेट have got nothing to do with each other, okay? अगर आपके JEE में personal बहुत भी कम है, बिटसेट में तब भी बहुत अच्छा कर सकते हो, but still it is very important to maintain your composure and still work very hard towards your goal for achieving a very good score in either your JEE main 2020, JEE Advanced 2020, बिटसेट 2020 और all of them combined, okay? So this is it from my side। समय आ गया आप सब सुनने का, अलविदा।